यूपी में आवारा सांडों का आतंक लगातार जारी है और इस बार मामला सामने आया है कन्नौज से, जहां आवारा सांडों का आतंक इस कदर है कि अब ग्रामीण खुद ही हाथों में लाठी डंडे लेकर आवारा सांडों को भगाते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आवारा सांडों की पहुंच, खेतों में खूब तांडव मचाते ये सांड, सांडों के पीछे हाथ में लाठी लिए भागते ग्रामीण। ये तस्वीर किसी खेल की नहीं है और ना ही सांडों के दौड़ की, बल्कि ये सांडों का आतंक है। दरअसल मामला कन्नौज शिप्रामऊ के सिकंदपुरा का है, जहां आवारा सांडों के आतंक ने ग्रामीणों के नाक में दम कर रखा है। तस्वीरों में सांडों पर ग्रामीणों का ये गुस्सा इस बात को लेकर है कि सांडों ने इस बार एक गाय पर हमला कर दिया, जिसमें पालतू गाय की मौत हो गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों पर भी आवारा सांड हमला कर रहे हैं, वहीं गौशालाएं भी महज दिखावा साबित हो रही हैं। सांडों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए ग्रामीण लाठी डंडों और हथियार से सांडों को मार मार कर भगाने पर मजबूर है। बाहर गाय बनी थी, मतलब उन्हें मारा मुड़ी करी बहुत। हम लोग खाना खान गए थे, गाय बंदी थी, जब तक हम आए तब तक उन्हें गाय मार डाली। ये सांड बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, ये गाय शाम को मार डाली 7:30 बजे, 4-5 सांड लगे उसके पीछे थे, गिर के उसको मार डाला हमने। कितने जानवर हैं ये? जानवर करीब 25-30 जानवर ढिला घूमे हुए हैं यहाँ पे। कन्नौज जिले में आवारा सांडों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। कहीं किसानों को मार रहे हैं, कहीं आम जनताओं को आवारा सांड नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं ताजा मामला सिकंदरपुर क्षेत्र का है, जहां सांडों के एक झुंड ने एक गाय पर हमला कर दिया और उसको मार दिया। वहीं इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अपने हाथ में अब हथियार उठा लिए हैं। ग्रामीण सांडों को मार मार के गाँव से बाहर निकाल रहे हैं। वहीं ग्रामीण हथियारों से लैस होकर आवारा सांडों पर अब हमला करने पर मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो सांडों ने पिछले कुछ समय में उनकी फसलों से लेकर आम जनता को जमकर नुकसान पहुंचाया है। वहीं अगर प्रशासनिक अमले की बात करी जाए, यहाँ की गौशालाओं की बात करी जाए, तो महज वो कागजों में ही चल रही हैं, क्योंकि आवारा सांड रास्तों में घूमते हुए नजर आते हैं, खेतों में फसलें नष्ट करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब मजबूरन ग्रामीणों ने अपने हाथ में हथियार उठाकर अपनी सुरक्षा और अपने खेतों की सुरक्षा खुद लेने का जिम्मा उठा लिया है।